सो द बिग न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर टाइगर 3। गिरीश सर जो कि शेनॉय का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे टाइगर के सीरीज़ के अंदर में, सो ही इज़ एक्चुअली नो मोर, जो कि 2019 में वो चले गए। सो उनका जो कैरेक्टर है एक्चुअली हु इज़ गोना प्ले दैट कैरेक्टर इन टाइगर 3, दैट बिग न्यूज़ इज़ बीन कमिंग आउट। दैट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर उस फिल्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है। मतलब फिल्म का देखा जाए तो वो फिल्म की रीढ़ की हड्डी वाली टाइप की कैरेक्टर होती है ना, वो कैरेक्टर है, क्योंकि वही बिल्डअप्स देते हैं, वही टाइगर को जब एंट्री होना हो, टाइगर जिंदा है ये वगैरह सब सारा बिल्डअप्स फर्स्ट पार्ट से देखा जाए लास्ट पार्ट तक सारे बिल्डअप्स वही देते हैं एक सुपरस्टार को, एक एक कैरेक्टर को जो कि टाइगर की कैरेक्टर है उसको एंट्री देने के लिए। सो उनका रोल गिरीश सर को रिप्लेस करके द कैरेक्टर इज गोना प्ले फ्रॉम डैनी सर। डैनी जो कि मतलब वन ऑफ द अपने टाइम के वन ऑफ द सबसे खतरनाक, मतलब पाड़ू टाइप विलन बोलते हैं, उस लेवल के विलन थे, और वो एंड टू बी हॉनेस्ट वो ये कैरेक्टर पे सुइटेबल है, एकदम सुइटेबल है, बिकॉज जो लीगेसी उस कैरेक्टर को दी गई थी उस, क्योंकि हर फिल्म में मैंने एज एक्टर मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो मेन लीड होता है वही सब कुछ नहीं होता है। कामयाब मूवी नहीं देखी हो तो जाकर देखना एक बार, जो साइड रोल्स होते हैं, जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, बिकॉज दे टुगेदर मेक अ फिल्म, दे टुगेदर मेक अ बिल्डअप, दे टुगेदर गिव द बिल्डअप्स टू अ स्टार, तब जाके फिल्म टोटल कंप्लीट होती है। तो डैनी सर जो कि रिप्लेस करने वाले गिरीश सर को, जो एज अ शेनॉय या कोई और कैरेक्टर हो सकता है सेम लाइक कैरेक्टर, या उनके कोई किसी उन्होंने ऐसा दिखा देगा स्क्रिप्ट में कि उन्होंने भेजा है, या उनको फिल्म में ऐसा मतलब अलविदा कर दिया जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, बट डैनी इज गोना प्ले दैट कैरेक्टर, उस गोना सेंड टाइगर टू द मिशन, और वो मिशन ऑल सिनेमेटिक यूनिवर्स के अंदर जो मैं जैसे कि सबको पता ही, वॉर पठान एंड टाइगर। तो ये एक लौती फिल्म है मैं बताऊँगा जिससे मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके बैठा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, कितना भी ट्रोल कर रहे हो सुपरस्टार को, लेकिन ये एक लौती फिल्म है भाई की जिससे मैं फुल में 100% डैम श्योर मैं एक्सपेक्टेशन करके बैठा हूँ, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ वायर ऑफ का चलता है। जब फिल्म का शूट्स सब कुछ चल रहा होता है ऑन द प्रोसीजर, यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाया जाता है, या जो डायरेक्टर बोलता है वो सुनना पड़ता है, या जो प्रोड्यूसर्स बोलते हैं वो सुनना पड़ता है, यू जस्ट गेट अ फीस टू परफॉर्म देयर, टू एक्ट देयर, दैट्स इट, तुम्हारा आपका रोल उतना ही होता है। तभी फायर ऑफ प्रोडक्शंस की टाइगर की सीरीज़ जो या सुल्तान हो या कुछ भी हो, ज़बरदस्त फिल्म बनकर निकलती है, ज़बरदस्त 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, सोच कर देखो, बिकॉज दे नो, क्योंकि वो सुनते नहीं है, वो प्रभु देवा सुनते नहीं है वो लोग कि ये नहीं इसको चेंज कर सकते, इसको ये कर दो, नहीं सुनते वो अपना जो उनका ओपिनियन है, वो उनका जो प्लान है उनके हिसाब से फिल्म को एग्जीक्यूट करते हैं। और तभी मैं बोल रहा हूँ इस फिल्म से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है, और सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगर स्क्रिप्ट सही तरीके से लिखी गई, तीनों फिल्म की मैं बता रहा हूँ, 3+1 और 2 एक्स्ट्रा और भी बढ़ सकता है, बिकॉज बिजनेस इज़ बिजनेस, वो ऐसा है कि अभी 3 फिल्म से इतना ज़्यादा कलेक्शंस हो जाएगा तो 4th भी आएगी, 5th भी आएगी, आप लोग बेट लगा कर देते हो 10 फिल्म से पहले ये सिनेमैटिक यूनिवर्स ख़त्म नहीं होगी, अगर ये परफेक्टली ये पूरा यूनिवर्स 3 फिल्म का एक ट्रायंगुलर ये पूरा परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ तो, परफेक्ट रिजल्ट आया तो। सो दैट्स ऑल इन टुडेज न्यूज़ आई विल टेल। और ये फिल्म डे बाय डे अभी शूट चल रहा है वहाँ पर। और एक चीज़ है, दोनों पठान जो टाइगर 3 का सेट है दोनों एट ए टाइम एक ही जगह पर बनाया जाएगा या बनाया गया है, कोई सेट थोड़ा अगर चेंज वेंज नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारे सीन्स ऐसे जो पठान में ख़त्म होकर टाइगर 3 में स्टार्ट होने वाले, सो वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच द फिल्म, जब फिल्म बनकर आएगी देन वी कैन एक्सपेक्ट मोर, वी कैन सी द हाई बज, और वी कैन सी क्या होता है जब ये फिल्म परफेक्टली एग्जीक्यूट होकर थिएटर में बड़े पर्दे पर लगेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को सही लगा हो तो शेयर करो, एंड जिन लोगों ने मेरा व्लॉग वीडियो, लेटेस्ट व्लॉग वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको भी देखो और प्यार दो।